अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ टिक्का मसाला पाउडर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि काफ़ी चीज़ों में इस पाउडर का यूज़ होगा। जैसे कि कभी हम चिकन टिक्का वगैरह बनाते हैं, चिकन टिक्का मसाला बनाते हैं, या चिकन टिक्का मसाला बिरयानी बनाएंगे, तो उसमें हम इस मसाले का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया था एक बोल। मैं कुछ यहाँ पर खड़े गरम मसाले ले लूँगी। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले ले लिया था 2 टेबलस्पून के करीब धनिया के बीज। फिर मैंने यहाँ पर ले लिया था तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब ज़ीरा, जो कि हमारा सफ़ेद ज़ीरा होता है वो। फिर ले लिया है 2 ये लाल मिर्चें, जो कि बोर मिर्च होती हैं। फिर ले लिया था मैंने कुछ 1.5 इंच का एक दालचीनी का टुकड़ा, और ले ली है 2 काली इलायची। फिर ले ली थी 4 हरी इलायची, और उसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया है 4 लौंगें, और फिर मैंने यहाँ पर ले लिया था तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब काली मिर्चें। अब हमें इन सारे खड़े गरम मसालों को अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर एक छोटी सी कढ़ाई ले ली है, और फिर मैंने यहाँ पर इन सब को इसमें डाल दिया है। ध्यान रहे कि हमारा जो फ्लेम है वो लो टू मीडियम हो, और हमें इसे कंटिन्यू चलाते रहना है, और उस वक्त तक इन्हें रोस्ट करना है जब तक कि इनमें से अच्छा सा एरोमा ना आ जाए और ये बिल्कुल लाइट ब्राउन से ना हो जाए। और अब हम इसे हल्का सा ठंडा करेंगे, पूरा ठंडा नहीं करना है। तो अब मैंने यहाँ पर एक ले लिया है मिक्सी जार, और मैंने इन सब को इसमें डाल दिया है, और हमें इसे ग्राइंड करना है, बिल्कुल फाइन सा पाउडर बना लेना है इसका। और देखें जनाब, मैंने यहाँ पर इस तरह से इनका बिल्कुल फाइन सा पाउडर बना लिया है। हमें इसे छानना नहीं है, मैं इसे छानूंगी नहीं। अगर आपको इसे छानना हो और बारीक करना हो तो आप बेशक कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ पाउडर्ड मसाले यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ले लिया था 1 टेबल स्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर। फिर मैंने यहाँ पर ले लिया था 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, और फिर हम लास्ट में ले लेंगे कुछ 1 टेबल स्पून के करीब आमचूर पाउडर, जो कि हमारे टिक्का मसाले को बिल्कुल इन्हेंस कर देगा। अब मैंने यहाँ पर इसे इस तरह से मिक्स कर लिया, और अब हमारा जो टिक्का मसाला पाउडर है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसे तकरीबन 2 मंथ्स के लिए एयरटाइट कंटेनर में इसे स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप इसका इस्तेमाल चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, या फिर जो भी टिक्का की और भी रेसिपीज़ होती हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं, और जो हमारी टिक्का बिरयानी होती है उसमें भी आप इस मसाले को यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।